गुड मॉर्निंग। आज जो है 3.4 का एक्सरसाइज करना है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों ही मेथड से करने हैं, तो मैं एक क्वेश्चन दो मेथड से कर दूंगा और फिर आपको जो मेथड पसंद आएगा वो आप लोग खुद से करेंगे, और फिर ये सारे क्वेश्चन को मैं किसी एक मेथड से कर दूंगा। तो देखिए, इसको अगर हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना होता है किसी एक की वैल्यू को। तो यहाँ एक्स है, एक्स इक्वल 5 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो एक्स इक्वल 5 माइनस वाई, अब क्या करेंगे कि एक्स इक्वल 5 माइनस वाई को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इतना इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड में तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो 2x, x के प्लेस पे क्या है 5 माइनस वाई, माइनस 3 इंटू वाई कितना है 3y इक्वल 4। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू जै 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 3 और 2 5y इक्वल 4, इसलिए माइनस 5y इक्वल 4 माइनस 10। ये हो गया माइनस 5y इक्वल माइनस 6, इससे कैंसिल हो गया माइनस माइनस, y इक्वल टू हो गया 6/5। तो हमारा y आ गया। अब देखिए x इक्वल टू है 5 माइनस वाई, तो इसलिए x इक्वल टू आ गया 5 माइनस वाई 6/5। तो ये देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 5, तो हो गया 25 माइनस 6 बराबर 19/5। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यानी कि अब हमें सारे वैल्यू मिल गए, दोनों की वैल्यू मिल गई 19/5 और y इक्वल टू 6/5। अब हम करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, सेम एलिमिनेशन मेथड से करना है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि से क्या होता है, किसी एक को इक्वल करना होता है, x के टर्म को कर लीजिए या y के टर्म को इक्वल 4। अब जैसे देखिए, अगर हम इसे इक्वल करना है तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस कर देंगे एक दूसरे में से, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करें और इसको ऐड कर दें दोनों को, तो एक कट जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से ही करेंगे, 3x हो गया प्लस 3y हो गया इक्वल 5 3 15 हो गया। मल्टीप्लाई सब में करना होता है। अब नीचे का जो इक्वेशन है वही सेम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको प्लस कर रहे हैं ऑन एडिंग, इसको हम एडिंग कर रहे हैं ऑन एडिंग, फर्स्ट और सेकेंड ये जो भी है, तो इस कैंसिल हो गया 3 और 2 5x इक्वल 15 और 4 19। तो x इक्वल टू हो गया 19/5, ठीक है। और y इक्वल टू, और y किसी में भी रख लेते हैं, तो चूँकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है x प्लस वाई इक्वल 5, इसलिए x हो गया आपका 19/5 प्लस y इक्वल 5, इसलिए y इक्वल 5 माइनस 19/5। तो ये हो गया एलसीएम 5 25 माइनस 19, 5 5 25, 19 माइनस हो गया, तो 6/5 आंसर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन दोनों मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब हम ये दोनों तीनों जो क्वेश्चन है वो किसी एक मेथड से कर दे रहा हूँ मैं। इसे आपको जो मेथड है ऐसे मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर देता हूँ, ठीक है, या तो विलोपन विधि से ही, दोनों में से कोई। चलिए एलिमिनेशन मेथड से ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यानी 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अभी विलोपन विधि से हम कर रहे हैं, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे अगर करते हैं तो इसे 2 से करना पड़ेगा, इसे 3 से करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखें
कि अगर इस इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टू टू जा फोर हो जाएगा, और फिर अगर हम ऐड करेंगे इसको ये दोनों कट जाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा बेटर है ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड, कि दो से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ऊपर का जो जो है वही एज इट इज़ लिख लेंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू टू जा फोर एक्स माइनस टू टू जा फोर वाई इक्वल टू टू जा फोर। इसको ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग लिख देंगे यहाँ पे, इसका मतलब जोड़ने पर, योग करने पर। अब एक कैंसिल हो गया, चार और तीन सात एक्स बच गया, और ये दोनों जुड़ गया दस चार चौदह, एक्स इक्वल टू फोर्टीन अपॉन सेवन बराबर टू आ गया। और y निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में, मान लो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया 3x प्लस 4y इक्वल 10, तो हमें चूंकि y निकालना है तो 4y इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 3x, और 10 माइनस 3 इंटू x 2 है, तो इसलिए 4y 4y इक्वल 3 टू जा 6, 10 माइनस 6 4, 3 टू जा 6, 10 माइनस 6 4, 4 से 4 कैंसिल 1 बच गया, यानी कि 1। तो हमें मिल गया आंसर x बराबर 2 और y बराबर। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, यह है 9x इक्वल 2y, तो 9x इक्वल 2y है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या करें कि जिससे अगर यहाँ किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, इसलिए इक्वली दोनों हो नहीं सकता। यहाँ पे देखें तो 3 के टेबल में 3 3 जा 9 हो जाता है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 3 जा 9x हो गया, माइनस 5 3 जा 15 वाई हो गया, माइनस 4 3 जा 12। अब यहाँ पे जो है वही लिख लेंगे, माइनस 2 वाई प्लस 7 इक्वल 0। लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करने पे कैंसिल नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ लिख लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर यानी कि माइनस करने पर, तो ये साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, 15 और 2 ये प्लस है माइनस है, तो ये माइनस 13 वाई हो गया, 12 और 7 7 और 2 9 कितना हो गया, 12 7 19 माइनस 19 इक्वल 0, इसलिए वाई इक्वल टू माइनस 13 वाई, ये इधर जा करके 19 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल 19 अपॉन माइनस 13, यानी कि माइनस 13 हो गया, y निकल गया। अब x की बात करते हैं तो किसी में भी रख लेते हैं 0, तो इसलिए 3x माइनस 5y इक्वल 4 हमने कर लिया, और y की जो वैल्यू है 3x माइनस 5 इंटू माइनस 19 अपॉन 13 इक्वल 4, इसलिए 3x माइनस माइनस प्लस उन्हें पचे पंचानवे है ना, बचे 45 पाँच चार नौ पंचानवे बटे 13 इक्वल 4, तो इसलिए एलसीएम आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं एलसीएम आ गया आपका 13, सॉरी एलसीएम ले ले, ठीक है, तो ये हो गया तृतीया तृतीय 40x और प्लस 95 इक्वल 4, 39x प्लस 95 इक्वल 13 चौके 52, इसलिए 39x इक्वल 52 माइनस 95, 39x इक्वल 12 में से 5 गया 7, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, माइनस 43, इसलिए x इक्वल टू माइनस 43 अपॉन 39। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो ठीक है ना आंसर, देखो ठीक है आंसर, अच्छा गलत आंसर आ रहा है, कहाँ गलत है भाई, देखते हैं, ओ गलत आंसर आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने सही किया ना, 2 बाई इधर लाया तो माइनस 2 बाई 7 इधर लाया, यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे माइनस 7 होना चाहिए, तो ये माइनस 7 होगा, तो ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, तो 12 में 7 गया, यहाँ पे बचेगा 12 में 7 गया 5 माइनस 5 बचेगा, सॉरी माइनस 5 अपॉन 13, ठीक है, इसका मतलब है कि अब सब में गलत हो गया होगा, माइनस 5 अपॉन 13 ये माइनस
ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यस। तो ये हो गया 5/13। ये 5/13 है यहाँ से, तो ये 5 5 25 / 13 = 4, तो ये हो जाएगा 33/39। हाँ एक मिनट, ओके जी, यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ। अरे ध्यान में नहीं रहा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और उसके कारण पूरा गलत हो गया। 3x एलसीएम ले लेते हैं, 13 हो गया, 33/39x - 25 = 4। अभी हो जाएगा 39x - 25, 53/52। इसलिए हो गया 39x और इक्वल 52 + 25, 39x = 5 × 2 = 7, 5 × 2 = 7। ये गलत आ रहा है लगता है आंसर, 7 के -5, ये हो गया आपका -5 जाकर के इधर प्लस हो गया, तो इधर माइनस है ना, सॉरी ये भी माइनस हुआ। वाई आ गया -5/13, हाँ ठीक है, तो ये हो गया -5/13, ये हो गया प्लस, ये प्लस है, तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो x = हो गया 27/39। 3 से 3 9 जा 27, 3 13 जा, यानी कि 9/13। देखो आंसर इतना ही आ रहा होगा, ठीक है, ओके। तो आगे करते हैं, तो देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं। x/2 + 2/3 = -1 है, और x - y/3 = 3। कभी कभी मैं क्वेश्चन लिख करके रखता हूँ ताकि कम टाइम लगे वीडियो बनाने में, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसमें क्या होगा, हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो लाना है x/2, और हमें पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसको तो सीधा करके कई तरह से किया जा सकता है, बट बच्चों को समझाने के लिए जो ज़्यादा अच्छा हो देखते हैं, कोशिश करते हैं। x/2 यहाँ पे क्या है, y/3 है, तो अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये दोनों मैच कर जाएगा, और ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसी को कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऊपर का जो है वही रहेगा, 2/3 = -1, 2 से ये हो जाएगा 2x, ठीक है, 2x - 2/3 = 3 × 2 = 6, है ना। चलिए अब देखते हैं ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, एडिंग करने पर एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा x/2 + 2x = 6 में से 1 गया 5, ये 5 हो गया, ठीक है, एक से। और ऊपर देखते हैं, x/2 + 2x = 5, यहाँ एलसीएम लेना है जी, तो 2 हो जाएगा, x + 2 = 4x, 4 + 1 = 5x, 5, तो 5x = ये 5 है, 5 × 2 = 10, इसलिए 5 से ये कट गया, x = 2, x 2 आ गया। अब हमें y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में, ये फर्स्ट में या सेकंड, किसी में भी ले लें, तो कोई भी मैं ले लेता हूँ, x/2 + 2/3 = -1, यहाँ अगर 2 रखते हैं तो 2 + 2 2/2 + 2/3 = -1, इससे कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 उधर चला जाएगा = -1, तो हो जाएगा 2/3 = -1 - 1, इसलिए 2/3 = -2, 3 × 2 = 6 - 6, इसलिए y = -6/2 - 3, ठीक है।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो होगा आगे क्वेश्चन का, जो सेकंड क्वेश्चन है जो बर्ड्स प्रॉब्लम है, वो अगले वाले वीडियो में होगा, तो आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा।